जी फ्रेंड, तो आज है डे 3 मेरे साड़ी चैलेंज का और मेरा ब्लाउज थोड़ा सा यहाँ से ख़राब हो गया है क्योंकि ये एक बहुत पुरानी स्टोरी है। पुरानी नहीं, 5-6 महीने पहले ही की स्टोरी होगी जब मैं फाउंडेशन लगा रही थी और वो फाउंडेशन उड़कर यहाँ पर आ गया और ब्लाउज़ तो 4-5 बार साफ हुआ पर ये दाग नहीं गया और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की कि मैं इसे निकालूँ। ओके, शाम के बज रहे हैं 4 और मैं आज बना रही हूँ नान खटाई। मैंने सोचा कि कुछ मतलब घर के बिस्किट्स वगैरह बनाए जाए तो नान खटाई बनाने का मेरा मन हो गया। मैंने लगा चलिए नान खटाई बना लेते हैं। और सुबह सुबह मैंने 2 मेकअप ट्यूटोरियल शूट किए हैं, एक इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी के लिए, तो बहुत जल्दी इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी के चैनल पर एक मेकअप ट्यूटोरियल आएगा और एक ब्यूटीफुल हमेशा मराठी के लिए। तो चलिए नान खटाई बनाते हैं।
तो कैसे लग रहे हैं आपको मेरे फ्लावर्स? सुबह सुबह मैंने सोचा कि आपको मेरे घर के सारे जो गुलाब के फूल, मोगरा और जो भी आए हैं सब कुछ दिखा दूँ, अच्छे लगे ना। कुछ दिनों पहले पता क्या हुआ था, मेरे घर में एक भी फ्लावर नहीं था, एकदम से सारे फ्लावर ख़त्म हो गए थे। मैंने बोला रोज़ जहाँ पर दो तीन गुलाब आते थे, क्या हो गया इनको, एकदम से कैसे चले गए? फिर राज ने और मैंने इनको और अच्छे से मतलब रखा और इनको मतलब बहुत प्यार किया, इतना 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 कि अभी हर एक पेड़ में कम से कम पांच पांच कलियां है, पेड़ नहीं पौधा, हर एक पौधे में पांच पांच कलियां है। तो वो देखकर बड़ा अच्छा लगा। बीच में एक महीना थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया था, पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। और तरबूज का भी एक पौधा आया है, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये तरबूज का पौधा है। अभी तरबूज आएंगे कि नहीं ये नहीं पता, पर तरबूज का पौधा आ गया है। जैसे मेरे घर में टमाटर का इतना बड़ा पौधा है, ऑलमोस्ट मेरे हाइट का है, पर अभी तक उसने एक भी टमाटर नहीं दिया है। बट चलो आ गया है, मैं उसे प्यार कर रही हूँ, उस होप में एक ना एक दिन ये मेरा पौधा टमाटर मुझे खिलाएगा। तो पौधों के साथ, पेड़ों के साथ एक अलग केमिस्ट्री है मेरी, पता नहीं आप समझ पाओगे नहीं, बट हाँ है कुछ कनेक्शन, कुछ है। और सुबह सुबह मैं कुछ ऐसी दिख रही हूँ। और बाकी सब देखिए क्या कर रहे हैं। अनिका तो सो रही है, मैं खिड़की बंद कर देती, बड़ा नॉइज आता है। और राज देखिए एज यूजुअल मोबाइल में घुसना अधिकार है, तो वही कर रहे हैं। और अभी बर्तन वगैरह धुले जा रहे हैं। वैसे सुबह के 8:30 बज गए, कोई सुबह सुबह मतलब मैं नहीं आपको वो कर रही हूँ। अम्मा जग गई है, अम्मा रात में वहाँ पर सोती है यहाँ पर, और फिर सुबह 7:30 बजे वहाँ पर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत नॉइस होने लगता है, बर्तनों का आवाज़ और जो भी है वो सबके नॉइस से भी वो वहाँ पर चले जाती है। ये देखो पूजा ने पहले ही बीन बैग्स उठा कर रख दिए, जिससे जो हमारी झाड़ू पोछा वाली आंटी आए तो सफाई अच्छे से कर पाए। तो इस तरह से मतलब घर का माहौल होता है सुबह, इसलिए मैं सुबह जनरली व्लॉग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही टाइम नहीं मिलता है सुबह के टाइम। मैं उठी भी आज बहुत लेट हूँ, अभी तक मैंने मुंह में कुछ भी नहीं डाला, राज ने चाय पी लिया, मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो मोस्टली मैं नींबू पानी या गर्म पानी पीती हूँ, पर आज मैंने वो भी नहीं पिया, अभी जाऊँगी पीऊँगी। मन नहीं हो रहा कुछ करने का आज। आज मुझे सुबह उठने का भी मतलब मुझे 8 बजे मेरी आँख खुली है, जब पूजा ने बेल बजाई है ना तब मेरी आँख खुली है, वरना मैं 7 बजे वगैरह उठ जाती हूँ, पर आज मैं बहुत सोई हूँ, पता नहीं कैसे, पर बहुत मुझे नींद आ गई थी। और कल मेरे मम्मी और पापा उनके मतलब हमारे गांव चले गए हैं, मेरे बर्थ प्लेस और जहाँ पर मम्मी पापा के और रिलेटिव रहते थे, लाइक मामा मौसी सब लोग, बहन भाई सब लोग रहते हैं, वहाँ पर गई है पापा। तो पापा के कॉलेज की छुट्टियाँ चल गई हैं, तो पापा और मम्मी दोनों भी चले गए हैं। तो अभी आई थिंक वो लोग 20-25 दिन से पहले तो बिल्कुल नहीं आने वाले, कल 21 तारीख तक तो चले गए हैं। तो मैं कल जाने वाली थी उनको बाय करने के लिए, फिर मैंने सोचा कि पैकिंग वगैरह चलती है उसके बीच में हम जाए और फिर उन्हें डिस्टर्ब करें, तो मैंने वही बोला कि नहीं सही नहीं लगता। और कोई जब कहीं जाता है ना तो उसको उसका दिमाग पूरी तरह से उसी सामान में लगा रहता है कि ये ना भूल जाऊँ वो ना भूल जाऊँ, और फिर हम जाकर उन्हें और डिस्टर्ब करें अच्छा भी नहीं लगता ना। तो मुझे वही राज बोले कि वैसे भी मम्मी 2 दिन पहले ही आई थी तो मिल तो लिया था, बोले तुम अभी जाओगी मम्मी को और डिस्टर्ब करके आओगी, मतलब बात तो सही है। ओके, और ये देखिए काजल जो है आँखों के नीचे थोड़ा थोड़ा लग चुका है, वो आप जब भी काजल लगाते हैं तो ये वाला केस होता ही होता है, राइट। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ, आज मेरा नया व्लॉग चालू होगा, और हाँ नई साड़ी के साथ। कौन सी साड़ी पहनूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी वैसे रेगुलर घर पहनने वाली साड़ियाँ है नहीं मेरे पास ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो निकाल ही लूँगी।
चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिएगा, लव यू।